और ये मेरे मामा जी है। मामा जी सर मारे। दोस्तों हो सकते दोस्तों मैं न्यू लोग में आप सभी का फिर से। तो मैं कल यहाँ खड़ा था तो आज मेरा नंबर आया शाम का अभी बज रहा है 6 बजे मेरा नंबर आया। तो क्योंकि मेरे से गाड़ी बहुत ज़्यादा आ गई थी इसलिए कल मेरी गाड़ी खाली नहीं हुई, तो आज भी शाम को नंबर आया मेरा। तो अब मेरा नंबर आया तो अब मैं लाइन में लगूंगा, इधर और भी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो ये गाड़ियाँ खाली होने के बाद फिर मेरी गाड़ी खाली होगी। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगे, इधर देख सकते हो आप मेरे को भी इधर लाइन पे लगना पड़ेगा। तो मैं भी लगा देता हूँ लाइन पे। ये देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो ये वहाँ जहाँ पीछे वो दिख रहा है वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खाली होगी। तो अब धीरे धीरे खाली होगी, यानी रात में होगी हमारी गाड़ी भी खाली। तो मैं आ चुका हूँ फैक्ट्री के अंदर और टाइम हो गया 6 बज गया है। पर कल से मैं तो इधर परेशान हो गया हूँ। तो ये राकेश बेटा है, राकेश परेशान नहीं हुए? तो अभी हमारे को सब कुछ मिल गया, ये उधर मास्टर वगैरह को देना है, उसको दिखा के कंफर्म करवा के फिर खाली करवा दे। तो गुड मॉर्निंग सभी भाई ना, और सभी भाई जय श्री राम। भाई साहब हमारा रात इधर गाड़ी खाली हुआ था नहीं, क्योंकि इधर इसलिए खाली नहीं हुआ था कि गाड़ियाँ हमारे और आगे थी, 3-4 गाड़ियाँ थी। तो लेबर वाले ने 1 बजे तक खाली करी गाड़ी, हमारी जो कंपनी गाड़ी थी वो खाली करके फिर वो चले गए। उन्होंने बोला भाई अब हमारे को भी सोना है, फिर पूरी रात से हम गाड़ियाँ खाली कर रहे हैं। तो हमने बोला चलो ठीक भाई सुबह कर देना। तो मेरे आगे अब 3 गाड़ियाँ और हैं, वो खाली होने के बाद फिर मेरा नंबर आएगा। तो ये इधर टाइल्स वगैरह बनती है, तो देखते हैं फिर हमारा नंबर कब आता है। तब तक हमने चार्ज वगैरह लिया है, खाना हमने बना दिया है, तो खा पी के फिर देखते हैं कि नंबर हमारा कब आता है। तो हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ कल से खड़े हैं और अभी तक हमारा गाड़ी का नंबर नहीं आया, और ये गाड़ी और आगे ये है तो खाली हो रही है, इसके बाद हमारा ही नंबर है। और हम यहाँ कल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, पूरी मिट्टी वगैरह उड़ रही है यहाँ पे। और अभी दिनेश भैया से पूछते हैं कितना परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ तो दिनेश भैया, अपन यहाँ कब से खड़े हैं और कितने परेशान हो चुके हैं? अरे यार इसमें भाई 2 दिन तो हो गया यार, अब और टाइम लगेगा हमारा नंबर आने में। तो ये गाड़ी और आ गई है, वो खाली होने वाली है, फिर अपना नंबर है, देखते हैं वो गाड़ी कब तक खाली होती है। तो मैं बैठा बैठा क्या करूँगा, तो हिसाब वगैरह लिख लेते हैं क्योंकि पैसा याद नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा रख देते हैं, फिर सेट को दिखाना पड़ता है हिसाब किताब। देखते हैं वो गाड़ी कब तक खाली होती है, फिर अपनी आपकी बाइक की गाड़ी लगेगी, फिर उसको खाली वाली करके और फिर पंप पर चले जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर उधर खाना वगैरह बना लेंगे। तो देखते हैं वो गाड़ी कब तक खाली होती है, फिर अपनी गाड़ी लगाते हैं उधर। तो अब तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखते हो गाड़ी कब तक खाली होती है। तो अब हमारी गाड़ी का नंबर आया है, तो अब मैं लगाता हूँ, ये गाड़ी खाली होने वाली है। भैया मेरे को अभी बुलाने आया था, और मेरे पास जो पर्ची थी वो लेके गया मास्टर के पास। अब कहाँ पर लगानी है गाड़ी उसको वापस आने देते हैं और फिर हमारी गाड़ी खाली होने के लिए लगाते हैं। हमारी गाड़ी हमने लगा दी है खाली होने के लिए, और हमारे पानी भी ख़त्म हो गया था। मैंने राकेश को बोला चलो खाना बना लेंगे क्योंकि टाइम लगेगा गाड़ी खाली होने में। तो मैं दिखाता हूँ हमारी गाड़ी जिससे खाली होगी। या इधर पाउडर खाली होगा पूरा, ये देख सकते हो आप लोग। यह खाली होगी हमारी गाड़ी, तब तक हम चाय वाय की पी के आ जाते हैं, चाय पी के तो अभी खाना वाना बना लेंगे तो हम जाते हैं। तो पीछे मेरा गाड़ी खाली हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि माल को ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ऊपर चढ़ाने में क्या है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने राकेश को बोल दिया भाई खाना बना ही लेते हैं यार, तो बैठे रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा तो सबसे फेवरेट गोभी है, तो इसलिए मैं गोभी लेके आया। आपका कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर अब खाना वाना बनाते हैं, खा पी के फिर देखते हैं हमारी गाड़ी कब तक खाली होती है। तो खाना बन रहा है, सब्जी मैं बना रहा हूँ, फिर बना लेंगे रोटी, तो फिर खा पी के देखते हैं कब तक खाली होती है। तो हमारी गाड़ी हो गई खाली और अब हम करवाते हैं काटा। भाई साहब क्या बताए, सीन हो गया इधर, ये गाड़ियाँ बन रही है टाइल्स वगैरह की। तो मैं काटा पे आ चुका हूँ, गाड़ी को लेता हूँ काटे पे। आ जाए चला दूँ। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है कांटे पे। गेट खोल के
गोरी। तो अब हम करवाते काटा और खाना वाना हमने सब बना लिया है और फिर खा पी के फिर सीधा निकल जाएंगे फिर से। दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी भाइयों ने। तो मैं रात को इधर आ गया था, रात को आया था मैं 1 बजे के आसपास आया था। तो 1 बजे आए यहाँ और अभी मॉर्निंग में हम उठे, नाश्ता वगैरह किया और गाड़ी वाड़ी को भी धो दी और हम भी नहा लिए और यहाँ पे नहाए धोए और इधर हमारे सब ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ खड़ी हैं और आगे से उधर नहा रहा है। और मैं अपने फ़ोन को थोड़ा चार्जर कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ थोड़ी व्यवस्था बढ़िया है, मतलब खाने पीने की जगह भी अच्छी है, नहाने धोने की सब कुछ अच्छा है, इसलिए पार्किंग में मतलब सही है कुल मिला के। तो देखते हैं हमारा नंबर तो अब है, मेरे आगे 4 गाड़ियाँ हैं तो यानी कि मेरे को 1-2 दिन तो इधर खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा नंबर आएगा तो फिर इधर से डीजल वीजल भरवा के निकल जाएंगे। तो अब थोड़ी धूप भी पड़ रही है तो फिर शाम के टाइम में चाय वगैरह पीने जाएंगे। तो देखते हैं फिर चाय पीने जाते हैं, फिर चाय वगैरह पी के वापस आके फिर अगर आज नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर खाना पीना बना लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नंबर आएगा तो नहीं, तो हम आ गए चाय पीने के लिए। चाय हमने ले ली अंकल जी से, अंकल की जी की दुकान पे आए चाय पीने के लिए, राकेश से बैठा है। तो चाय वाय पी के जाते हैं। हमारे गाड़ियाँ तो 4 गाड़ियाँ आ गई तो हमारा नंबर नहीं आएगा आज भी। तो यहाँ से चाय वाय पी के वापस जाते पार्किंग में, फिर शाम को खाना पीना बना लेंगे। तो ना तो लिए अपन, तो अंकल जी यहाँ चाय पी रहे हैं, राकेश चाय पी रहा है देख सकते हैं आप। तो अभी हम उठ के आए, थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए गर्मी की तो भाई साहब क्या बताए, गुजरात में गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है। यहाँ राजकोट में कम है बट मोरबी के अंदर ज़्यादा पड़ती है क्योंकि वहाँ फैक्ट्री एरिया है पूरा, इसलिए मशीनें के हिसाब से बड़ी बड़ी मशीनें चलती है उस हिसाब से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम चाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं। तो हम चाय वाय पी के अंकल जी यहाँ से निकल गए। और राकेश क्या सीन हो रहा है? तो भाई साहब क्या ही बताए, धूप तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है इधर को, गुजरात में ज़्यादा ही पड़ती है। राकेश धूप ऊप का कैसा सीन लग रहा है? अच्छा एक नंबर, ठीक है। इधर भी चाय वगैरह की दुकान है और इधर भी छोटा मोटा। इधर बंगार का तो भाई राजकोट में बंगार का इतना कारोबार है मतलब कोई सीमा ही नहीं, और पूरे राजकोट के अंदर पूरा सब लोग बंगार का मतलब बिजनेस वगैरह छोटा मोटा करते ही करते, राजकोट के अंदर ज़्यादा यही है। और अपने राजस्थान से ज़्यादा अगर इधर मार्बल ज़्यादा आता है, जो स्पेत वाला मार्बल होता है वो ज़्यादा आता है राजकोट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते हैं। पहले मैं भी 1-2 बार आया था इधर खाली करने के लिए आया था, मैं अपने गांव के लड़की के साथ में था, तब मैं मतलब सेकेंडरी करता था तब आया था इधर, मार्बल लेके आया था अपने राजनगर से। तो अब देखते हैं, अब आज तो हमारा नंबर आएगा नहीं, तो हमने चाय वाय पी ली है और हम वापस जा रहे हैं पार्किंग के अंदर। तो अब चलते हैं पार्किंग में। तो हम आ चुके पार्किंग के अंदर और सब गाड़ियाँ लगी हुई है और जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं सब लोग सो रहे हैं, उस्ताद लोग। और ये शिवराज की गाड़ी है, शिवराज जी की, और हमारी रानी खड़ी है ये, और बाकी सब गाड़ियाँ खड़ी है इधर। तो अभी तो थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो थोड़ी देर और रेस्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हमारा गाड़ी भरने का नंबर तो आया नहीं, तो हम ले आए मिर्ची टमाटर और छाछ वगैरह। और ये मेरे मामा जी हैं, मामा जी सर मारे। और आज हम बनाएंगे सेब की सब्जी। तो मैंने सोचा यार चलो वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो टाइम तो हो गया अभी 5:30 के आसपास हो गया, तो हम जा रहे हैं खाना वगैरह बनाते हैं क्योंकि नंबर मेरा कल भी शायद मेरे चाहता कि मेरे लगता है कल तो हमारा नंबर नहीं आने वाला। तो अभी तो खाना बना लेते हैं और क्या कल होगा जो देखेंगे सुबह। तो ये राकेश और ये मेरे मामा जी है, मेरे गुरु जी है, और मैं इनके साथ मतलब सब कुछ इन्होंने सिखाया मेरे को गाड़ी लाइन में। तो ये हमारे गुरु जी है, मामा जी, इनके साथ मैं रहा कम से कम 14-15 महीना इनके साथ रहा था।
तो इन्होंने मेरे को फिर सेफ गाड़ी पकड़वाई, मतलब सेफ गाड़ी मेरे को इन्होंने बोला भाई अब ये सेफ गाड़ी चलेगा तो फिर मैं चलाने लगा, यानी कि इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया मामा जी ने। चलो तो आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो कैसी लगी कमेंट के लिए जरूर बताना और शेयर करना, तब आगे शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।